हेलो गाइज, अनिक दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, अगर आप किसी भी फैंटेसी ऐप का इस्तेमाल करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यार आजकल हो क्या रहा है कि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें लोग अलग अलग तरह के फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो आ रही है उन्हें पेमेंट से रिलेटेड, उनका विड्रॉवल सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा है। 5 दिन 6 दिनों से उनका पेमेंट डिले में रहता है, प्रोसेसिंग नहीं रहता है और उन्हें पेमेंट रिसीव करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही, या फिर किसी किसी को तो पेमेंट रिसीव ही नहीं होता है। तो भाई, अगर आप कोई भी फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हो और अगर आपके साथ भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुना, ठीक है। अगर आप अभी मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, तो फिर आपका प्रॉब्लम आज सोल्व होने वाला है। अगर आपको फैंटेसी ऐप से पेमेंट नहीं मिल पा रही है तो आज आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुना। तो चलो शुरू करते हैं। गज, फेक ऐप्स या फेक साइट्स पर विड्रॉवल में डिले होना या फिर ना मिलना, इसके पीछे कुछ 4 फैक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको यहीं पर आंसर तुरंत से मिल जाएगा, एकदम आसानी से, ठीक है। तो आप ध्यान से सुना। फैक्ट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप जिस किसी भी फैंटेसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो क्या वो एक जेन्युइन फैंटेसी ऐप है। फैंटेसी ऐप की छोड़ दो यार, अगर आप कोई भी फेक वाली अर्निंग ऐप्स का इस्तेमाल करोगे या फिर फेक वाली अर्निंग साइट्स का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आप चाहे जितना भी काम कर लो, जब पेमेंट्स की बारी आएगी तो वो आपको पेमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई फेक फैंटेसी ऐप है तो वहाँ पर आप चाहे जितने भी पैसे क्यों ना जीत लो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आप 10 दिन वेट कर लो, 15 दिन वेट कर लो, 1 महीने क्यों ना वेट कर लो, वो आपको पेमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर फेक फैंटेसी ऐप है तो। अब गज देखो, आप और भी बातों को ध्यान से सुनना। अब यार देखो, इसके अलावा सेकेंड फैक्ट ये है कि यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन जेन्युइन हो सकती है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशन है तो वहाँ पर आपको पेमेंट्स में डिले हो सकती है, लेकिन वो आपको पेमेंट्स जरूर करेंगे। तो ऐसे में यार सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं। चलो चेक कर लें कि एप्लीकेशन जेन्युइन है। अब यार आपको ये भी चेक करना है कि वो एप्लीकेशन पेमेंट्स में कितने टाइम लेती है, विड्रॉवल में कितना टाइम लेती है। कई सारे एप्लीकेशन जो हैं वो आपको तुरंत से पेमेंट कर देंगे, कई सारे एप्लीकेशन जो हैं वो कुछ बिजनेस डेज का टाइम लेती है कि हम आपको पेमेंट्स करेंगे 5 दिनों में 10 दिनों में 20 दिनों में। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जिस एप्लीकेशन पर मैंने विड्रॉवल लगाया है वो कितने दिनों में पेमेंट्स करती है। अगर आपने आज विड्रॉवल लगाया और आप सोच रहे हो कि मुझे अभी तुरंत से रिसीव हो जाएगी या फिर 24 आवर्स के अंदर रिसीव हो जाएगी, लेकिन उस एप्लीकेशन पर सिस्टम है कि वो आपको 5 दिनों में विड्रॉवल देती है, 10 दिनों में 20 दिनों में, चलो 20 दिनों बात मानिए एग्जांपल के लिए, चलो ठीक है, तो फिर 20 दिनों का वो टाइम लेती है, लेकिन आपके यहाँ पर 5 दिन ही हुए हैं और आप सोच रहे हो कि अभी तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो फिर ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको जानकारी लेनी होगी कि वो कितने दिनों में पेमेंट्स करती है। अगर 20 दिनों में पेमेंट्स करती है तो आपको 20 दिनों में ही विड्रॉ मिलेगा, तो इसलिए आपको कुछ टाइम तक अब वेट करना होगा सेकेंड फैक्ट में। अब यार थर्ड फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड फैक्ट में ये होता है कि कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन तो होते हैं, 100% जेन्युइन होते हैं और वो आपको 100% पे भी करते हैं, और वहाँ पर ये भी सिस्टम होता है कि वो आपको एकदम इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं या फिर 24 आवर्स का टाइम लेते हैं और उस बीच वो आपको पेमेंट्स कर देते हैं। लेकिन गाइस कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी वो आपको पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो आपको पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको टाइम कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, 5 दिन 10 दिन भी लग सकता है, जब तक उनकी इशूज सोल्व नहीं हो जाती है। तो जब उनकी इशूज सोल्व हो जाएगी तो वो आपको पेमेंट्स कर देंगे, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा अगर वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है तो, ठीक है। तो यार ऐसे में आपको वेट करना है थोड़ा सा, कि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशन है लेकिन वहाँ पर आपको पेमेंट्स नहीं मिल पा रही है और इंस्टेंट पेमेंट की भी सुविधा है लेकिन फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, वो आपको पेमेंट्स जरूर से मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने ईमानदारी से वहाँ पर कमाई की है तो, ठीक है। ये हो गई थर्ड फैक्ट। अब यार फोर्थ फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ फैक्ट में होता क्या है कि कई सारे लोग जो हैं वो उनकी ही गलती होती है, एप्लीकेशन तो जेन्युइन होता ही है लेकिन जब वहाँ पर पेमेंट्स का डिटेल्स एंटर करते हैं तो वहाँ पर उनसे ही कुछ गलती हो जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें उनसे फील हो जाती हैं और उसकी वजह से उनका पेमेंट्स हो सके तो किसी दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर नहीं मिल पाता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपने जो यहाँ पर मतलब अपना पेमेंट्स का डिटेल्स एंटर किया, अपना अकाउंट नंबर, तो वो सही है या नहीं, या फिर अकाउंट नंबर्स के साथ और भी डिटेल्स एंटर करने होते हैं वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। तो ये आपकी भी गलती हो सकती है कि आपने शायद कुछ ना कुछ चीज़ें गलती की होंगी जिसकी वजह से आपको पेमेंट्स नहीं मिल रही होंगी, तो आपको इन सभी बातों का खास ध्यान रखना है। अब ये जो चारों फैक्ट्स मैंने आपको बताए इन्हें अगर आपने पूरी अच्छी तरह से ध्यान से सुना है तो आपको इसके बीच ही आंसर मिल जाएगा। अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा और अभी मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है यार। देखो अगर आपको पेमेंट्स में डिले हो रही है, एप्लीकेशन 100% जेन्युइन है आपको पता है और मतलब पेमेंट्स भी वो चलो 24 आवर्स के अंदर कर देती है लेकिन अभी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए लेकिन फिर भी हमें पेमेंट्स नहीं कर रही है, तो ऐसे में अब आपको करना क्या है कि यार देखो जो भी जेन्युइन ऐप्स होते हैं वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, सपोर्ट चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार देखो जैसे मैं गेमजी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, चलो ठीक है। सुगज अब हम लोगों ने यहाँ पर गेमजी को ओपन कर लिया, अब जाना ये थ्री लाइन्स पे, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट सपोर्ट का, तो यहाँ पर आप चैट सपोर्ट ले सकते हो। आप यहाँ पर इनके एम्प्लॉय जो होते हैं, जो गेमजी ऐप के जो टीम होती है उनसे आप बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, फिर वो आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप जिस किसी भी फैंटेसी ऐप का इस्तेमाल करते हो सारे पर आपको कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर चैट सपोर्ट का इसी तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब गज यहाँ पर आपको मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि देखो अगर आपने किसी एप्लीकेशन पर विड्रॉवल लगाया है तो आपको ये भी पता करना जरूरी है कि वो एप्लीकेशन कितने दिनों का टाइम लेती है विड्रॉवल के लिए। तो वो पता करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर थ्री लाइन्स पे जाना है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको FAQ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि एप्लीकेशन कितने दिनों का टाइम लेती है विड्रॉवल के लिए या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको आपका प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यार आप यहाँ पर ये कर सकते हो। इसी तरह से गाइस जो भी आप फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ज़रूर से मिल जाएगा अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशन है तो। हालांकि फेक एप्लीकेशंस पे भी आपको फेक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है लेकिन कॉन्टैक्ट करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा अगर कोई फेक एप्लीकेशन है तो, ठीक है। तो अगर आपके साथ पेमेंट्स में डिले हो रही है, पेमेंट्स नहीं मिल पा रही है, तो अभी मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया, समझा दिया क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा है और मेरी बातों को पूरा एंड तक सुना है, ध्यान से सुना है, समझा है, तो आपको अब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकती है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो एंड आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ भाई बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में आप सभी लोगों के लिए और आप लोग यार एक लाइक भी नहीं करते हो, प्लीज़ भाई हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज रेगुलर लेकर आते रहें। सो प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और गाइस आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, विड्रॉवल में डिले हो रही है या फिर नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो को देखकर, वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस जेन्युइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।